Actor Mahi Gill, who garnered popularity in several films like Dev D and Sahib Biwi and Gangster, was shooting for Climax on the set of her first web series, Fixer, when she did not know that four goons will enter their set and they will attack her. Apart from Mahi Gill, Tigmanshu Dhulia, TV actor Shabbir Ahluwalia, these were also present on that time. And shooting was going on a shipyard in Ghodbunder Road area of Thane near Mumbai. The incident took place around 4:30 p.m. Citing the absence of permission for shooting on the location, these four goons beat many people there. They came with rods and sticks and went on attacking everyone. In this attack, several injuries came on the head of the director of photography of the web series, Santosh Thudiyal, and he had to put 6 stitches. Mahi Gill's driver, the low bodyguard, was also beaten. Mahi Gill said, "All of us had gone through a sudden attack on the set, and before I could understand what was happening, they were running to kill. A punk ran on my side, but on the set, someone loudly made the voice of, 'Ladies, ladies,' and then the punk turned to someone else." Take a look on the video. मई 19 जून 2019 हम लोग आज बीरा रोड पे एक फैक्ट्री में शूट कर रहे थे गोड़बंदर रोड पे. हमने परमिशन ली है, हमारे पास वैलिड परमिशन है, हमने पैसे दिए हैं लोकेशन मैनेजर को. हम सुबह 7 बजे से शूट कर रहे थे. अचानक पिछले एक घंटा पहले 4:30 के आसपास कुछ 4 लोग उधर आए, दारू पिए हुए, हाथ में छड़ियाँ, लकड़ी, सलिया लेके, और उन्होंने आके हमारे यूनिट में हमारे आर्टिस्ट को, हमारे टेक्नीशियंस को बहुत मारा है, पीटा है, उनको उनका सामान निकाल के दिया. उन्होंने ये बोला कि लोकेशन हमारी है, ये लोकेशन हमारी है, हमारी परमिशन के बिना आप यहाँ शूट नहीं कर सकते. देर वॉज नो स्कोप फॉर डायलॉग, देर इज नो स्कोप फॉर डिस्कशन. दे मैन हैंडल्ड वुमेन बैडली, दे मैन हैंडल आर आर्टिस्ट बैडली. दिस इज आर सीनियर DOP, दिस इज आर डायरेक्टर, ही हैज डिसलोकेटेड हिज शोल्डर. हमारे ये ड्राइवर साहब हैं, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, सबको चोट लगी है. लेडी क्रू को मारा गया, उनको हाथों से खींचा गया है. मुझे मारने लगे थे, मैं वहाँ के गाड़ी में बैठी जाकर, और जब मेरे दोनों ने देखा है वहाँ पर क्या हाल हो रही थी, मुझे सिटिंग पीपल जैसे कि किसी जानवर को मारते होते हैं, पहली बार मैंने ऐसा देखा है. DOP को इतनी ज़ोर से उन्होंने मारा, इस बार स्टिचेस ऑन हिज हेड. सोहम को इतनी ज़ोर से मारा है कि सोहम गिर गए लिटरली, और सर इंटरवीन किए बीच में. और हमें ये पता चला कि वहाँ पुलिस आई थी. हम पुलिस के पास इसलिए नहीं जा रहे, हम ये आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं, हम पुलिस के पास इसलिए नहीं जा रहे कि पुलिस खुद बोल रही थी उनको गुंडों को कि मारो उनको पकड़ के, कोई बात नहीं. और उन्होंने पुलिस वहाँ पर आई है, पुलिस की पेट्रोल कार को हमने बोला हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ. उन्होंने बोला हम कंपाउंड के अंदर आते हैं, हम तुमको बताएंगे. उन्होंने कंपाउंड का के दरवाजा बंद किया, हमें हमारा सामान नहीं निकालने दिया. बोले हमको जब तक पैसा नहीं दोगे कोर्ट में आओ, पंचनामा होगा और कोर्ट से सामान लेके जाओ. सर ये सिर्फ हैरासमेंट है. हम अभी कॉन्शियसली कॉल लेके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने नहीं जा रहे, बिकॉज कंप्लेंट लेंगे आप सामने वाली पार्टी को बुलाओगे, उनको NC देके उनको बेल पे छोड़ दिया जाएगा. हम सालों साल कोर्ट के चक्कर खाते रहेंगे, हमारे नाम पे क्रिमिनल का ठप्पा लग जाएगा. सर इट इज हैरासमेंट फॉर द इंडस्ट्री, इट इज हैरासमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी के साथ ही हो सकता है. उसके बाद वी नॉट सेफ, उसके बाद भी जिमी जिप की वैन, जिमी जिप के लोगों को पुलिस लेके गई है, पुलिस ने मारा है उनको वहां पे हमसे पैसा लेने के बाद. सो पुलिस हैज बिकम द बिगेस्ट गुंडा. She added, the police was supporting goons by allowing to beat them mercilessly. News Desk.